तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जैन में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों अगर आप यूज़ करते हो जियो फोन, और यार अब तो सभी जियो फोन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सभी यूज़र्स के लिए जो कि जियो फोन यूज़ कर रहे हैं, और सभी आजकल जियो फोन यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जियो का लोग फ़ोन ख़रीदा लोगों ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी लोगों का जियो फोन जो है वो बेसिकली अभी सही चल रहा है, उनको कोई भी यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉब्लम उनको देखने को नहीं मिली अपने जियो फोन में। और साथ ही साथ कुछ लोगों का जियो फोन है जिसमें कि वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। लाइक अगर मैं बता दूँ, जैसे कुछ लोग अपना जियो फोन अगर ओपन कर रहे हैं तो उसका जो लोगो आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पावर ऑन हो रहा है तो इसका जैसे लोगो आ रहा है तो मेरा यहाँ पर क्लियरली खुल गया। लेकिन कुछ लोगों का क्या हो रहा है, पावर ऑफ करके अगर ऑन कर रहे हैं तो उनका बेसिकली जियो फोन का जो लोगो है ये बार बार सेम बार बार ऑफ हो रहा है फिर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है फिर ऑन हो रहा है। तो अगर मैं सीधी बात कहूँ तो यहाँ पर उनका फोन सही से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ऑन नहीं हो पा रहा है ऑफ करने के बाद में। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर उनकी स्क्रीन में कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है, कुछ लोगों का यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश कर गया है जियो का। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप में आपके जियो फोन में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, या वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या कोई सी भी प्रॉब्लम आपके जियो फोन में आई है, तो आप अपने जियो फोन को हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं, या आप अपना पूरा डाटा क्लीन करके फ़ोन को नए जैसा कैसे बना सकते हैं, बताऊंगा यहाँ पर। आपका अगर सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया तो आप हार्ड रीसेट करके कैसे यहाँ पर सही कर सकते हैं सभी उन दिक्कतों को जो कि आपको जियो फोन में आ रहे हैं, लाइक यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्रैश, लैगिंग, इसका जो होम स्क्रीन है वो यहाँ पर ऑफ सी हो गई है, वो सब आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को जल्दी से बताना स्टार्ट करता हूं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अगर ये हार्ड रीसेट करते हो तो आप यहाँ पर बहुत ही ईजिली अपने जियो फोन को फिर आराम से यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर जियो फ़ोन के कई मॉडल्स आते हैं, तो जो भी यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स आते हैं उन सभी मॉडल्स का अलग अलग हार्ड रीसेट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप एक बात गौर करिएगा कि यहाँ पर सभी के ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग होते हैं जियो फ़ोन के। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाता हूँ अपने जियो फ़ोन का, अगर मैं अपना मॉडल नंबर अगर मैं अपने जियो फ़ोन का आप लोग को दिखाता हूँ, तो जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जियो फ़ोन का जो मॉडल है वो है F10 1K Black। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल नंबर जो है वो है F101K Black। तो ये मोबाइल नंबर हमारा मॉडल कुछ निकल के आता है, और ऐसे काफ़ी अलग अलग जियो फ़ोन आते हैं मॉडल नंबर के। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मैं कुछ बता दूंगा कि कैसे अगर आपका फ़ोन हार्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो आप कौन सा यहाँ पर बटन दबा के अपना हार्ड रीसेट वाला ऑप्शन खोल सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से आप लोग को बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जियो फ़ोन अभी ऑफ हो गया क्योंकि मैंने बैटरी निकाली थी। अब हार्ड रीसेट का ऑप्शन आपको कैसे खोलना है, अगर आपका फ़ोन ऑफ है तो आपको कैसे खोलना है, या ऑन है तो आपको पहले ऑफ कर देना है, अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है, फिर आपको ये पावर वाला बटन, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये पावर वाला बटन और ये वन का एक साथ आपको एक साथ प्रेस करना है और होल्ड किए रहना जब तक यहाँ पर ओपन ना हो जाए। तो 1 2 3 देख सकते हो मैंने दोनों एक साथ प्रेस कर रख। सो फाइनली दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जब मैंने पावर ऑफ वाला जो बटन है, पावर वाला बटन है, आप कह सकते हो कॉल इंड वाला बटन है, वो मैंने और वन आपका यहां पर एक साथ दबाया तो कुछ ऐसा यहां पर आपको देखने को मिल गया, और ऐसा इंटरफेस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गया। मतलब कुछ भी स्क्रीन पे नहीं, खाली एक यहां पर वार्निंग जैसा साइन यहां पर बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर ये वाला बटन दबाना है, पावर ई वाला, तो इसको आप जैसे दबाएंगे तो देख सकते हो आप पूरा यहाँ पर हार्ड रीसेट का जो भी ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पे होते हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा और पास लाता हूँ कैमरे के पास। अब आप यहाँ पर देख सकते हो KaiOS रिकवरी और ये सब आपको रिबूट सिस्टम, रिबूट टू बूट लोडर, अप्लाई अपडेट फ्रॉम, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर अपने सिस्टम को बहुत ही यहाँ पर आसानी से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है ऊपर नीचे वाली ऐसे बटन दबा के, जैसा सकते हो आप मैंने ऊपर नीचे वाला यहाँ पर बटन दबा के मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो मैं दिखाता हूँ आपका जो ये वाला ऑप्शन है क्या कहते हैं
वाइप डाटा और रिकवरी रीसेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में पावर बटन आपको दबाना है। जैसे ही आप दबाओगे तो आपका कुछ ऐसा यहाँ पर पूछेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हो येस और नो करके दबाइए। तो आपको बेसिकली येस पे लाना है, नीचे साइड में आपको यहाँ पर येस पे लाना है और फिर से आपको पावर बटन दबा देना है। बस आपका यहाँ पर हार्ड रीसेट अपने आप ही यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा, बस पावर बटन आपको दबा देना है। तो दोस्तों बहुत इजीली यहाँ पर आप कर सकते हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली करके ऑन हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सोचोगे कि अपना खुद ने किया, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर मोबाइल में काफ़ी यहाँ पर गाने हैं, फ़ोटोज़ हैं और बहुत से लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो रखे हैं। तो अगर मैं ये करूँगा तो मेरा यहाँ पर सभी वाइप डाटा अगर करूँगा तो मेरे सभी डाटा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और साथ ही साथ मेरे यहाँ पर सब गाने मूवी ऑडियो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्लीन हो जाता है फ़ोन, यहाँ पर एक न्यू फ़ोन बन जाता है इसको करने के बाद में। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बस येस करके येल बटन दबाना है और आपका सब आपका अपने आप ही होने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से, मैं तो करने वाला हूँ नहीं, तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ, फिर आपको ये बैक मेनू आपका खुल जाएगा, फिर मैं यहाँ पर पावर ऑफ पे जाता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पावर ऑफ करता हूँ, पावर ऑफ मेरा फ़ोन हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको ऑन कर दूंगा तो वैसे ही न्यू जैसा यहाँ पर ऑन हो जाएगा बिना हार्ड रीसेट किए हुए। तो मैंने यहाँ पर आपको फुल डिटेल में बताया कि कैसे यहाँ पर क्या होगा। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर आपके, अगर फ़ोन में आपने अगर ऐसा किया कि ये वाला बटन दबा के वन दबाया, तो अगर आपके फ़ोन में ये करने के बाद भी वैसा आपका ऑप्शन नहीं खुल रहा है जैसा कि मेरा खुल रहा था, हार्ड रीसेट रिबूट सिस्टम ऐसा ऐसा करके जो ऑप्शन थे, अगर आप में से नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स होते हैं जियो फ़ोन के, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो आप, मैं बताता हूँ कि आप क्या क्या करके ट्राई कर सकते हो अपने जियो फ़ोन में ताकि आपका भी ऐसे ऑप्शन खुल जाए अगर आपका नहीं खुल रहा हो, क्योंकि आपका मॉडल चेंज हो सकता है। तो पावर बटन दबाना है, आप वन दबा के देख लीजिएगा, खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता तो आप यहाँ पर पावर बटन के साथ ये वाला बटन दबा के थोड़ी देर तक देख लीजिएगा एक साथ, अगर उससे भी नहीं खुलता तो पावर बटन दबा के आप ऊपर वाला जो बटन है, ये ऊपर वाला आप देख सकते हो, बेसिकली ऊपर वाला जो बटन है पावर बटन, और इसको एक साथ दबा के आप देख लीजिएगा, तब शायद आपका ऑप्शन खुल जाए, या आपका तब भी नहीं खुलता तो आपका पावर बटन दबाने के बाद एट वाला आप एक साथ दबा के देख लीजिएगा, या फाइव एक साथ दबा के देख लीजिएगा। तो ऐसे अगर आप ट्राई करोगे तो आपका वह ऑप्शन खुल जाएगा जो कि मैंने आप लोग को बताया। बाकी आपके मॉडल नंबर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कौन का बटन दबा के आपको अपना हार्ड रीसेट वाला ऑप्शन खोलना है। तो यार ये थी पूरी की पूरी वीडियो जो कि जियो के हार्ड रीसेट को लेकर थी। मैं बेसिकली इसलिए बनाया ताकि आपको यहाँ पर कुछ हेल्प हो जाए। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, या सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया है। तो आप अगर आपका लोगो हैंग कर रहा है जियो का, या स्क्रीन में कुछ लैगिंग दिख रही हो, फ़ोन में लैगिंग दिख रही, तो आप ऐसे हार्ड रीसेट यहाँ पर करके अपने फ़ोन को नए जैसा बना सकते हो, या अपने जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको आप भगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल को, क्योंकि मैं रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।